गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ब्लू बेंच रील स्टार को अवैध हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर है। रील स्टार सुरेंद्र पाटिल को मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रील स्टार सुरेंद्र पाटिल को नकली नोट और अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर खुद को डोंबिवली का राजा मानने वाले सुरेंद्र पाटिल को थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो 40 लाख रुपये के बदले 1.60 करोड़ रुपये के नकली नोट खरीदने के लिए मोरबाड़ गया था। मोरबाड़ परिसर में सुरेंद्र पाटिल के सामने डुप्लीकेट पुलिस बनकर 5 से भी ज़्यादा लोग आए और फिल्मी स्टाइल में उनसे लूटपाट की। इसके बाद मानपाड़ा पुलिस ने सुरेंद्र पाटिल को बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। डोंबिवली मानपाड़ा इलाके में रहने वाले सुरेंद्र पाटिल के इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कुछ दिन पहले ही उसका संपर्क एक व्यक्ति से हुआ। उन्होंने कहा कि हम नकली नोट छापते हैं, इसके बाद 40 लाख रुपए के बदले 1.5 करोड़ रुपए नकली नोट देने की बात तय हुई। रविवार को सुरेंद्र पाटिल अपनी मर्सिडीज कार लेकर मोरबाड़ गया। इसके बाद खुद की सुरक्षा के लिए उसने 2 बिना लाइसेंसी वाली पिस्टल साथ में रखी। इसके दौरान 5 से ज़्यादा लोग खुद को पुलिस बताकर वहाँ आए और उन्होंने सुरेंद्र पाटिल से 40 लाख रुपये जब्त कर ली और वहां से चले गए। इसके बाद सुरेंद्र पाटिल ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मानपाड़ा पुलिस द्वारा मामले के जांच के बाद जबरन वसूली विरोधी दस्ते ने 4 आरोपी स्वप्निल जाधव, आदेश भोईर, सचिन जाधव और अक्षय गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गिरफ्तार हुए आरोपियों के पास से पुलिस ने 14,35,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र पाटिल को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र पाटिल के पास बिना लाइसेंस के हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। शिवराज पाटिल थाने उपायुक्त क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। थाना पुलिस आयुक्त जो सैन्य विरोधी पथक है, उनके वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े, उनके एपीआई गोरे कापड़ी पूरी टीम, उनका एक इन्फॉर्मेशन थी कि डोंबिवली के आदमी ने एक जगह पे जो पिस्टल है, इलीगल वेपन है, वो आने वाले है एक आदमी के साथ। तो उन्होंने ट्रैप आयोजित किया, उसमें ट्रैप के दौरान एक व्हीकल उन्होंने जब्त की। उसमें एक सुरेंद्र पाटिल करके एक आरोपी है, उसके पास से 2 पिस्टल बनावट उन्होंने सीज किए हैं। और जब इसके तहत हमने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के थ्रू एक गुना दाखिल किया और उसमें सुरेंद्र पाटिल और उसको अरेस्ट किया गया, उसकी गाड़ी बरामद की गई और 2 पिस्टल हमने उसमें सीज किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पता चला कि सुरेंद्र पाटिल जो है उसको जो बनावट नोट फेक करेंसी है वो उसको देने वाले थे। सामने वाले जो आरोपी है वो 40 लाख जो ओरिजिनल करेंसी है उसके अगेंस्ट फेक करेंसी 1.60 करोड़ रुपए उसको देने वाले थे। ऐसा बता कि ये सुरेंद्र पाटिल मुरबाड़ जो तालुका है उसके आदमी ने वो गया था, वहाँ पे केपी फार्माउस जो है वहाँ पे उसको ये पैसे देने वाले थे, वहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगा और उनको वहाँ पे पैसा मिलेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन थी उसको बताया गया था। उसके हिसाब से वो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद जो लोगों ने इनको ऑफर दी थी उन्होंने एक्चुअली इसमें बनावट पुलिस बन के वहाँ पे आए और उन्होंने जो 40 लाख रुपए इनके पास से थे वो वहाँ से सुंदर के उसके पास से हस्तमत किए और वहाँ से फरार हो गए।
बाद में इसी दौरान वो फिर वापस जब डुंगेरी में आया तब हमें जो इंफॉर्मेशन थी उसके शेयर उसके पास से वेपन बरामद हो गए। तो बाद में जब ये वेपन बरामद होने के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक खंडी चंद्रशेखर बागड़े और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से जो उसके पास से जो 40 लाख जो बरामद हुए थे और जो उसमें गिरोह शामिल था उसका इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें उन्होंने लगभग 4 आरोपी उसमें अरेस्ट किए गए और लगभग 14 लाख जो 40 लाख रुपए उसके पास से लेके गए थे उसमें से 14 लाख रुपए उन्होंने जब्त किए। उसके तहत दूसरा गुना मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में दाखिल है और उसमें 4 आरोपी जो अभी बाकी है उसका भी जो डिटेक्शन है वो बाकी है वो चल रहा है और वो आरोपी 4 मिलने के बाद उसके पास से भी बाकी की जो यहाँ पे पैसे गए हैं वो भी उसमें से बरामद हो जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन ठंडी विरोधी पथक गुनेशा का थाना पुलिस आयुक्तालय ने किया है और इसमें जो पिस्टल आए जो हमारे आरोपी के पास से मिले हैं वो भी उसका भी इन्वेस्टिगेशन आगे जाके होगा कि ये पिस्टल कहाँ से उसने लाए हैं। और जो आरोपी ये बनावटीकरण कर रहे थे कि एक पुलिस बन के पैसा जो उन्होंने ये आरोपी के पास से लिया था उन्होंने और कुछ ऐसे गुने किए हैं या वो कुछ प्रिंटिंग इसका पैसे का करते थे एक करेंसी निर्माण करते थे उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और जो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके आरोपी के खिलाफ उसके तहत हम उनके ऊपर इसमें 8 लोग शामिल थे जो बनावटीकरण करने वाले थे उसमें से 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं 4 बाकी वो भी हम उनको अरेस्ट करने वाले यही अभी जो आरोपी अभी कल हमने अरेस्ट किए हैं तो उनका अभी अभी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं और उनकी मालूम भी ले रहे हैं अगर सुधर उनके खिलाफ गुने दाखिल है उनकी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सुरेंद्र पाटिल के खिलाफ पहले भी कुछ गुने दाखिल है जैसे कि अचानक से पैसे की बरसात होने वाली है ऐसा बोल के उसको उसमें फंसाया गया था उसमें भी उसने पैसे दिए थे उसके तहत भी एक गुना दाखिल है। और कुछ ऐसे गुने दाखिल है उसका भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और सुरेंद्र पाटिल ने और कहाँ पे ऐसे कुछ पैसे और भी कुछ जगह पे दिए गए इसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोनों में क्या आह्वान करना चाहिए? निश्चित रूप से बनावटीकरण का जो नोट है फेक करेंसी है वो मार्केट में चलता नहीं है अभी बहुत सारी टेक्निक आई है जिसके थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं। तो किसी भी जो हमारे नागरिक है उनको यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इजी मनी के पीछे आप न भागते हुए जो ओरिजिनल हम जो हम मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसके थ्रू ही हम जाए ऐसे जो पैसों की बरसात है या कुछ फेक करेंसी है ऐसे उसके पीछे ना लगते हुए हम अच्छी तरीके से हमारा जो है अभी जो आरोपी 4 कस्टडी में उनको 3 तारीख तक चुकी है और भी आगे अगर इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है तो हम किसी बढ़ा सकते हैं।